बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर, और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। और एक और दरख्वास्त ये है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चैनल सरहद न्यूज का लिंक मौजूद है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दिल की गहराइयों से मशकूर रहूंगा। आज का मौजू ये है कि दुबई मुस्तकबिल के हवाले से मैं बात करूं, दुबई, यूनान जिसे हम ग्रीस कहते हैं, पुर्तगाल जिसे हम पुर्तगाल कहते हैं, तीन ममालिक पाकिस्तानी लेबर के हवाले से इनका मुस्तकबिल क्या है। दुबई के हवाले से आपको पता है मैं कई सालों से ये वीडियोस बना रहा हूं, यूएई, दुबई, शारजा, जितनी भी रियासतें हैं। अब मैंने सोचा है कि इस मामले को थोड़ा सा वसी किया जाए, क्योंकि अब लेबर के लिए बदकिस्मती से यूएई की मार्केट दिन ब दिन बजाय फैलने के आने वाले दिनों में सुकड़ रही है, ये सुकड़ जाएगी। लेकिन इस सारे मामले के लिए मैंने फिर, क्योंकि इस पर काफी रिसर्च दरकार होती है, लेबर मार्केट की रिसर्च, मुस्तकबिल आइंदा 5 साल 10 साल, तनख्वाह, मरात, टिकट, वीजा वगैरह वगैरह। लेकिन उसके लिए मेरी एक दरखास्त है, एक शर्त है, अगर तो कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कम से कम 100 अफराद इस बात की हिमायत करते हैं कि मुझे यूनान यानी ग्रीस और पुर्तगाल यानी पुर्तगाल, और फिर उसके बाद मैं देखूंगा आजरबाईजान के हवाले से कि इन पर भी वीडियोस करनी चाहिए कि वहां पे इस वक्त लेबर मार्केट क्या है, कितनी आसानी से पाकिस्तानियों को वीजे मिल रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है ऑब्वियसली, और यूरोज में तनख्वाह मिलती है। तो फिर अगर 100 बंदों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि जी हां आप इस पर वीडियोस बनाएं, तो मेरा आपसे वादा है फिर मैं उस पर इंशाल्लाह जरूर 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 अपनी वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये एक मामूली सी शर्त रखूं कि बंदा इतनी रिसर्च करे और वीडियो बना दे, और मेरे जो रेगुलर जो व्यूअर्स हैं जो ज्यादातर यूएई में हैं या इवन पाकिस्तान में हैं, और वो वीडियो उसको लिफ्ट ना कराएं उस तरह जिस तरह की करानी चाहिए, तो फिर फायदा कोई नहीं। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर इस हवाले से मैंशन करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आपका भाई उस पर जरूर वीडियो बनाएगा, रिसर्च वाली वीडियो जिसमें हर चीज का जिक्र होगा कि वीजा कैसे मिलता है, टिकट कितना है, मेडिकल की क्या प्रॉब्लम्स है, मेडिकल के कितने पैसे हैं, वहां पर रिहाइश मुफ्त है नहीं है, खाना मुफ्त है नहीं है, कितनी तनख्वाह, मिनिमम वेजेस क्या है, सारे मामला में, और कितने साल में आपके पेपर बन जाएंगे, लीगल होंगे, ये सारे मामला आपके साथ उन वीडियोज में इंशाल्लाह मेरा वादा है मैं जरूर करूंगा। लेकिन वादा इसलिए उस सूरत में कि अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 100 बंदे जो हैं, आप ये समझ लें कि पोल है, एक वो वोटिंग हो रही है, 100 बंदों ने कह दिया हाँ जी करें, तो आपका भाई करेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।